अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुश आमदीद। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिए और मुझे अपनी कीमती राय से आप आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी लाजमी फॉलो कीजिए। सो आज हम लोग एक छोटी सी ड्राइव पर जाएंगे और हमारे साथ हैं यहाँ पर होंडा CRZ और अभी हम इसकी एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं और इसका ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ, वो भी आप देख चुके हैं। तो अली भाई की ये गाड़ी है, 2010 मॉडल है और 13 का इम्पोर्ट है और 2022 का इसको जो है नंबर लगा हुआ है, नंबर भी अली भाई ने इसको गोल्डन लगवाया हुआ है, 007 नंबर लगा हुआ है इसको। और अभी हम इसकी एक छोटी सी राइड पे चलते हैं और फिर फर्दर इसके बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं कि क्या इसका ओवरऑल जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कैसा है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अभी हम इसकी छोटी सी राइड पे चलते हैं और अभी ये गाड़ी जो है इसकी बैटरी डाउन थी तो अभी इसको जंप स्टार्ट किया हमने, तो अभी इसे हम इसको स्टार्ट रखना है और अभी साथ ही हम एक छोटी सी राइड भी करते हैं और फिर मज़ीद जो है इस गाड़ी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो ये सबसे पहले तो आप इस गाड़ी का देखें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और इस गाड़ी में जो सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, और वो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और इसका स्पीडोमीटर, इसकी ओवरऑल जो लुक्स हैं बहुत कमाल है और बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है। और स्पेशली जो इसके आप सेंटर में देखें RPM, फिर उसके अंदर आपको इसका जो स्पीडोमीटर है वो आपको डिजिटल में मिलता है। सो इसकी ओवरऑल जो लुक्स हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, ये बहुत क्लासी हैं। और इसका ये आप स्टेयरिंग व्हील देखें। तो खैर अभी हम इस गाड़ी के ड्राइव पर चलते हैं, फिर मज़ीद सारे डिस्कशन करते हैं रास्ते में। ओके जी, ये है आज हमारी एक छोटी सी मंडे राइड विद होंडा CRZ और दिस इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट कार्स। और स्पोर्ट्स कार की जो आपकी स्पोर्ट्स कॉम्पैक्ट हाइब्रिड कार कैटेगरी है उसके अंदर ये गाड़ी आती है। और CRZ जो है ये तकरीबन 2010 में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था वर्ल्ड वाइड इन जापान एंड USA और उसके बाद फिर ये वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट भी होती रही है। और पाकिस्तान में भी ये गाड़ी जो है 2013-14 में होंडा इसको इम्पोर्ट करता रहा और 0 मीटर आपको मिल जाती थी और उस टाइम पर जो इसकी प्राइस थी तकरीबन वो कोई 22-23 लाख के अराउंड इसकी प्राइस थी, ऑटो जो CVT ट्रांसमिशन में था और उसके साथ इसमें एक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ वेरिएंट आता था। सो उसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन इसके जो CVT वाले वेरिएंट है उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी। सो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम था कि मार्केट के अंदर जो ऑटोमेटिक वेरिएंट था उसकी प्राइस मैनुअल से कम थी। सो 2016 तक ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल रही है और उसके बाद फिर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। और CRZ जो है ये CRX का आप इसको नेक्स्ट जनरेशन भी कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल CRZ जो है ये फर्स्ट जनरेशन बनती है और तकरीबन अराउंड 6 ईयर्स के एक टेन्योर के अंदर ये आपको मिलती रही है वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली इसके JDM वेरिएंट आते रहे हैं और JDM भी आए हैं, फिर होंडा भी इसको इम्पोर्ट करके 0 मीटर देता रहा। तो अभी जो हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ये JDM है और ये फुली लोडेड गाड़ी है, फुल ऑप्शनल है। इसमें डिफरेंट जो है वेरिएंट सारे आते हैं गाड़ी के और डिफरेंट इसके ट्रिम लेवल्स आते हैं और उन सब के अंदर बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। लाइक जैसे इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन में है तो ये इसके स्टेयरिंग व्हील के ऊपर आपको क्रूज कंट्रोल के जो है सारे कंट्रोल्स वगैरह, उसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फंक्शन वगैरह दिए गए हैं। तो इसमें जैसे जैसे आप इसका ट्रिम लेवल अपग्रेड करते जाते हैं वैसे वैसे इसके अंदर ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत ऐड ऑन होती जाती हैं। सो इस गाड़ी के अंदर क्योंकि ये CVT है तो आपको इसमें क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, फिर आपको इसमें पैडल शिफ्टर्स हैं और प्रॉपर एक आपको जो है स्पोर्ट्स कार का इसमें एक सही शशके आपको इसमें मिलते हैं। तो मेरी तो खैर ये शुरू से जो है फेवरेट गाड़ी रही है। तो अच्छा, एक चीज़ और कि होंडा CRZ जो है ये आपको IMA टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है और इंटीग्रेटेड मोटर असिस्ट, ये टेक्नोलॉजी जो है ये हाइब्रिड सिस्टम के साथ ही यूज़ होती है। होंडा जो है वो तकरीबन इसको 1999 से यूज़ कर रहा है और 2014 तक ये टेक्नोलॉजी है यूज़ होती रही है इन डिफरेंट कार्स लाइक होंडा सिविक रिबॉर्न, उसमें आती रही है ये जो उसके हाइब्रिड वेरियंट्स थे, और उसके अलावा होंडा फिट में, फिर इसमें अकॉर्ड में आती रही है ये,
टेक्नोलॉजी होंडा यूज करता रहा है, तो इसमें बेसिकली फंक्शन ये होता है कि एक छोटी सी इसमें जो मोटर होती है जो कि इंजन को सपोर्ट कर रही होती है साथ, और ये आपके इंजन के और जो ट्रांसमिशन होती है उसके साथ ही इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो ओवरऑल वैसे अगर इस गाड़ी की अगर हम जो फिगर्स देखते हैं परफॉर्मेंस, क्योंकि 1500 सीसी इंजन आपको मिलता है एल सीरीज का, इसकी अगर हम परफॉर्मेंस फिगर्स देखें तो ये आपको तकरीबन 111 bhp प्रोड्यूस करके देती है। मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो तकरीबन 112 तक कर देती है प्रोड्यूस। सो इसके साथ जो क्योंकि मोटर इंस्टॉल्ड है वो तकरीबन आपको 19 bhp तक एक्स्ट्रा पावर आउटपुट देती है। सो कंबाइन जो आपको इसकी जो पावर आउटपुट मिल जाती है वो तकरीबन 130 bhp के अराउंड मिल जाती है। एंड ओवरऑल अगर इसकी अगर हम टॉर्क पे आते हैं तो तकरीबन आपको 170-175 Nm के अराउंड टॉर्क जनरेट करके देती है गाड़ी। अब इसमें क्योंकि जो मोटर इंस्टॉल्ड है तो अगर आप इसको, क्योंकि इसमें तीन मोड आ रहे हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में तो खैर ये गाड़ी अपना फुल जो इसका पोटेंशियल है, इसकी जितनी भी जो कैपेबिलिटी है वो आपको देती है, तो उसके अंदर आपकी मोटर आपका इंजन अपने फुल जो उसका लेवल होता है उसके ऊपर जाकर आपको परफॉर्मेंस आउटपुट दे रहा होता है। बाकी अगर आप इसको नॉर्मल इको मोड पे चला रहे हैं तो इसकी जो मोटर होती है वो इंजन को साथ साथ हेल्प आउट कर रही होती है ताकि आपकी जो गाड़ी है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फोकस किया गया है, इट्स अ हाइब्रिड कार, तो ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे किया गया है कि आपकी जो गाड़ी है वो आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको एक अच्छी फ्यूल एवरेज भी दे सके। एंड फ्यूल एवरेज की जहाँ तक बात है तो फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की वैसे नॉर्मली जो लोग मैंने अभी तक लोगों से एक्सपीरियंस पूछा है वो तकरीबन आपको अराउंड 14-15 तक आपको ये इसकी एवरेज मिलती है। लेकिन अली भाई जो है उनकी ये गाड़ी है, उन्होंने मुझे जो इसकी एवरेज बताई है वो कहते हैं अगर आप इसको इको या नॉर्मल मोड पे भी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी इजीली 18 किलोमीटर पर लीटर तक भी एवरेज दे देती है, विच इज़ एक्चुअली सरप्राइजिंग। लेकिन अली भाई जिस तरह बड़े संभाल के गाड़ी को चलाते हैं प्यार से, तो मेरा ख्याल है कि इतनी आपको ये दे देती है गाड़ी एवरेज। ठीक है, इस गाड़ी का जो मीटर का डिस्प्ले है ना यार, ये मुझे बहुत पसंद है, आपको डिजिटल में डिस्प्ले दे रहा होता है, आपको सही जो स्पोर्ट्स कार वाली फील है ना वो ये देता है, मज़ेदार फील है इस गाड़ी की। पैड सस्पेंशन इस गाड़ी के अच्छे हैं, स्मूथ हैं, लेकिन हाँ अगर आप बड़े टायर प्रोफाइल पे जाते हैं और उसके ऊपर अगर आप गाड़ी को देखते हैं कि वो आपको परफॉर्मेंस दे और परफॉर्मेंस लेते हैं आप उसे, तो आपके जो सस्पेंशन होते हैं वो उसकी मेंटेनेंस आपको टाइम से पहले करनी पड़ जाती है और आपके सस्पेंशन जो है वो उसे ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस वजह से बेहतर है कि आपके जो रिकमेंडेड टायर्स होते हैं गाड़ी के साथ आप वही यूज़ करें। लेकिन क्या रली भाई ने इस गाड़ी के लगाए हुए हैं बड़े टायर प्रोफाइल के टायर हैं। बाकी इसमें जो पैडल शिफ्टर्स हैं ये भी काफ़ी इसके क्विक हैं, इट्स नॉट अ प्रॉपर फैमिली कार, और क्योंकि इसमें वैसे सीट्स आपको पीछे भी दो मिल जाती हैं लेकिन वो सीट सिर्फ छोटे कुछ 4-5 साल के बच्चों के लिए ही हैं, वैसे नॉर्मली जो है आपकी ये 2 सीटर ही कैटेगरी में आएगी और 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन बैक रो पे इतना कोई मुनासिब स्पेस नहीं है, सामान रखना हो आपने एज अ बूट स्पेस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अभी भी इन 2023 आपको ये इजीली 3-3.5 मिलियन के बजट में मिल रही है। ऑल्दो इट्स बिट एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें ऑल्टो से तो जहाँ आपको 3 मिलियन के बजट में ऑल्टो मिल रही है वहाँ पे स्टिल ये एक अच्छी ऑप्शन है मेरे ख्याल से। यार अब हम वापस जा रहे हैं, बस एक छोटी सी राइड थी और अभी क्योंकि ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा है और अभी ये दोपहर का टाइम है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड में नहीं चला पा रहा हूँ। जी अब हम आ गए वापस। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़, वैसे तो CRZ की जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो डिसेंट होती है, नॉर्मल गाड़ी जितनी होती है, नॉर्मल सेडान जितनी, लेकिन अभी इस गाड़ी के अंदर जो है एक इसमें स्पोर्ट्स किट इंस्टॉल हुई हुई है, साइड स्कर्ट्स भी इंस्टॉल्ड हैं, तो उसकी वजह से जो इसकी थोड़ी सी रोड क्लियरेंस है वो थोड़ी सी कम्प्रोमाइज्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको स्पीड ब्रेकर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना वो भी नेक्स्ट लेवल के होते हैं, तो अच्छी खासी गाड़ी होती है ना आपकी वो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है बस। चलिए जी अब हम वापस आ गए घर, और ये बस एक छोटी सी राइड थी। मैंने वैसे कोशिश की थी कि मैं थोड़ा सा आपको इस गाड़ी को थोड़ा सा भगा के भी इसको दिखाता, लेकिन अभी बस टाइमिंग थोड़ी सी
खराब है, अभी दोपहर का टाइम है और बाहर ट्रैफिक भी, बल्कि दोपहर भी मुझे लग रहा है 4 बजे ने शायद, तो अभी ट्रैफिक भी बाहर काफी ज्यादा है। खैर, सो ओवरऑल एक छोटी सी राइड थी इस गाड़ी की, और पर्सनली जो मुझे इस गाड़ी में तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है ना, एक तो खैर इस गाड़ी की लुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और मुझे इसकी लुक्स भी बहुत पसंद हैं, फिर स्पेशली जो इसका इंटीरियर है, इंटीरियर जो है इस गाड़ी का वो आपको सही एक स्पोर्ट्स कार वाली लुक देता है, और फिर इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसका जो आपका डिजिटल में स्पीड शो कर रहा है और सारा इसका जो क्लस्टर है, फिर उसके साथ साथ जब आप मोड्स चेंज करते हैं तो वो लाइट्स भी अपनी चेंज करता है, तो ये सारी चीज़ें मुझे इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती हैं और मुझे पर्सनली गाड़ी बहुत पसंद है। सो ओवरऑल JDM है, वेरियंट ये गाड़ी, तो JDM आपको पता है फिर जो गाड़ियाँ होती हैं उनका जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा क्लासी होती है, और इस गाड़ी की भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। सो ओवरऑल ये एक छोटी सी राइड थी, सो बस इसको थोड़ा सा मैंने इसको भगाना था स्पोर्ट्स मोड में, लेकिन ट्रैफिक की वजह से मैं इतना नहीं कर पाया, बट ओवरऑल इस गाड़ी में आपको हाँ एक चीज़ और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है आपको, ठीक है, क्रूज कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, पैडल शिफ्टर्स हैं, फिर आपके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जो इसके सारी MID के अंदर जो भी फंक्शन हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आपको शॉर्ट कीज इसके स्टेयरिंग पे भी मिल जाती हैं, और एक आपको ना प्रॉपर एक जैसे एक जेट होता ना उसके कॉकपिट वाली फील आती है आपको इसके इंटीरियर में बैठ के, जिसका स्पेशली जो फ्रंट का ये स्टेयरिंग का पार्ट है सारा, फिर पैडल शिफ्टर्स हैं साथ, फिर अली भाई ने इसके साथ ये पैडल शिफ्टर के साथ एक्सटेंडर्स लगाए हैं 2 रेड कलर के, तो ये इसको और ज़्यादा वो एक वो फॉर्मूला कार वाली फील दे रहे हैं, और बाकी मोड स्पोर्ट्स नॉर्मल इको, और इस साइड पे आपके सारे जो है इसका डिजिटल आपका क्लाइमेट कंट्रोल है, और इसके अंदर जो है एक एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल किया गया है, ये आफ्टर मार्केट है वैसे, एंड CVT ट्रांसमिशन और पैडल शिफ्टर के साथ एयरबैग्स आपको डुअल मिल जाते हैं, और सन शेड्स के ऊपर आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं, दोनों शेड्स के ऊपर हैं, हेडलैम्प स्पेयर है और सिंबल आपका रियर व्यू मिरर है। सो ओवरऑल जो है ये इस गाड़ी का छोटा सा एक ड्राइव थी, और होप सो आपको पसंद आया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए क्योंकि आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए, और आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन आप सब उसको जब सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी किया करें, और मुझे आप अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी लाजमी फॉलो कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।